आजादी बचाओ न्यूज चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत है। जमीन के विवाद को लेकर एक व्यक्ति की फोड़ी दुकान। सोलापुर शहर मंगलवार पेड़ सुल्तानिया मस्जिद के पास रहने वाली 70 साला मालनबी बागवान नामी बुजुर्ग महिला ने अपनी जमीन एक शख्स को बेच रही है, जहां इरफान बागवान नामी व्यक्ति और उसके लोगों ने मिलकर बुजुर्ग महिला को जमीन ना बेचने को लेकर मारपीट कर जान से मारने की धमकी देने वालों पर अपने रिश्तेदार रफीक मुल्ला के साथ सिविल पुलिस चौकी में फिरियाद दर्ज करवाई थी। हमारे खिलाफ पुलिस में फिरियाद क्यों दर्ज करवाई कहकर आज रविवार 29 जनवरी 2023 की शाम 7 बजे के आसपास मतला मारुति परिसर के मुल्लाजी ट्रेडर्स हाउस कीपिंग दुकान में एक युवक ने तोड़फोड़ की। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद रफीक महबूब मुल्ला है। कल जो मालन अजीमा को जो मारहन करे उसके बारे में मैं उनका सपोर्ट कराया, उनको ले जाकर दवाखाने को सिविल हॉस्पिटल में ले जाकर उनके बारे में उनको ले जाकर उनका कंप्लेंट दाखिल कराया, तो उसके बारे में मेरे को दुश्मनी, कल मेरे को गाली गलौज करे, मेरे को जानची मारने की धमकी दिए लोग, शकील बशीर भगवान, सलमान इरफान भगवान, इरफान बशीर भगवान, ये सब आकर कल मुझे धमधाटी दी करे, मेरे को जानची मारतू कर को बोले थे। आज मेरी दुकान पर आकर मेरे माल का नुकसान करे, धिंगाना डाले, पूरी दुकान तोड़फोड़ करे और मेरे दुकान का 30 से 40 हज़ार का मेरा नुकसान करे और मेरे जान को इंशी धोखा है। और कमिश्नर साहब से मैं और पुलिस प्रशासन से मैं नम्र विनती करता हूँ कि इन पर सख्त से सख्त और जल्द से जल्द कड़क कार्रवाई करें, और अगर ये नहीं करें तो सीपी साहब से भी मैं विनती करता हूँ कि इन पर ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी से जल्दी कड़क कार्रवाई, मेरे जान को धोखा है। मेरे को कभी भी ना आकर मेरा कभी भी क्या आज इतना करे, कल भी आकर करेंगे। आज मैं जो न्यूज़ में दिया और कंप्लेंट दिया, इस पर और ज़्यादा करें, इनकी ताकत और बढ़ रही है, इन पर ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी जल्दी कार्रवाई करें, ये मेरी नर्म विनती है पुलिस प्रशासन से और सीपी साहब से।